क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई कोमा में चला जाए तो उसके साथ क्या होता है? दरअसल कोमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इस सिचुएशन में ना तो व्यक्ति हिल सकता है और ना ही वो कॉन्शियस रह पाता है। कोमा में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसका माइंड इनएक्टिव रहता है। कहने का मतलब, कोमा के दौरान उस इंसान के बॉडी पार्ट्स में तो कोई कमी नहीं होती, बस उसका माइंड इनएक्टिव हो जाता है, जिस वजह से उसका कंट्रोल सभी बॉडी पार्ट्स पर से खत्म हो जाता है। कोमा का मतलब होता है डीप स्लीप, मतलब कोमा में जाने के बाद इंसान इस तरह से सो जाता है कि वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, ना तो वो पूरी तरह से जीवित ही होता है और ना ही मरा हुआ। कोमा में व्यक्ति सुन तो सकता है लेकिन कुछ भी रिस्पोंड नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति एक बार कोमा में गया तो वो कोमा से कब बाहर आएगा ये कोई नहीं जानता। वो कोमा से एक या दो दिन में भी बाहर आ सकता है, एक महीने में भी आ सकता है, एक साल में भी आ सकता है, या फिर कभी नहीं आ सकता। लेकिन सबसे अहम सवाल, कोमा में जाने के बाद वो व्यक्ति क्या फील करता है, उसके साथ क्या होता है? अब ये तो हमें वही बता सकता है जो एक बार कोमा में जाकर बाहर आया हो। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो कोमा में एक या दो दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल भी नहीं, यहाँ तक कि 10 साल भी नहीं, बल्कि उसने पूरे 12 सालों तक कोमा की यातना झेली। और जब वो कोमा से बाहर आया और उसने अपनी 12 सालों की आप बीती सुनाई तो उसे सुन सभी दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका का रहने वाला एक बच्चा था जो कि एकदम स्वस्थ था। वो हर रोज स्कूल जाता, अपने दोस्तों के साथ खेलता और मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जनवरी 1988 से उसके जीवन में सब कुछ बदलने वाला था। रोज की ही तरह वो स्कूल से घर आया, लेकिन इस बार वो अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहा था। दरअसल उसने अपनी माँ को बताया कि उसके गले में खराश है, और गले में खराश होना एक आम बात है, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात तो थी नहीं। लेकिन वो तो एक शुरुआत थी मार्टिन को एक लंबी नींद सुलाने के लिए। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। धीरे धीरे वो अपने शरीर से नियंत्रण खोता जा रहा था। उसकी याददाश्त कमजोर होती जा रही थी। वो अपने सोचने समझने की क्षमता को खोता जा रहा था। और कुछ ही दिनों में वो एक गहरी नींद में सो गया, जिसे कोमा कहते हैं। कोमा में जाने के बाद डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की उसे कोमा से बाहर लाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स को सफलता हाथ नहीं लगी और उन्हें मार्टिन को उसी हालात में डिस्चार्ज करना पड़ा। मार्टिन पूरी दुनिया से संपर्क तोड़ एक जिंदा लाश बन चुका था। सभी लोग उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन उसके ठीक होने की गुंजाइश ना के बराबर थी। अब तो उसे केवल कोई चमत्कारी ठीक कर सकता था। मार्टिन ने लगभग 12 साल एक जिंदा लाश की तरह कोमा में बिताए। अब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मार्टिन कोमा से बाहर आएगा, लेकिन अगर किसी की इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल हो तो चमत्कार हो जाते हैं। शायद लगभग 12 सालों तक कोमा में रहने के बाद भी मार्टिन ने जीने की जिद नहीं छोड़ी और कुदरत को चमत्कार करना पड़ा। आमतौर पर ऐसा नामुमकिन है कि कोई 10 सालों से भी ज्यादा समय तक कोमा में रहे और उससे बाहर आ जाए, लेकिन मार्टिन के साथ चमत्कार हुआ। 25 साल की उम्र में एक लंबे समय तक नर्क की यातना झेलने के बाद एक दिन मार्टिन की हाथ की उंगली ने थोड़ी सी मूवमेंट की, लेकिन वो मूवमेंट इतनी तेज नहीं थी कि उसे कोई महसूस कर पाए। लेकिन मार्टिन के नजरिए से जहां उसने इतने सालों से कोई भी मूवमेंट नहीं की थी, ये छोटी सी मूवमेंट उसके लिए बहुत बड़ी थी। एक दिन मार्टिन की माँ ने उसकी मूवमेंट को नोटिस किया तो उसकी माँ रो पड़ी, दुख में नहीं बल्कि खुशी में, क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ हो गया जिसकी कल्पना करना भी सभी ने छोड़ दिया था। उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई इस उम्मीद में कि शायद इसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाए, और हुआ भी यही। मार्टिन का इलाज चला और मार्टिन धीरे धीरे होश में आने लगा। मार्टिन को होश तो आ गया था, लेकिन अभी भी उसका अपने सभी बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल नहीं था। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स अभी भी पैरालाइज्ड थे। अभी भी मार्टिन बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसकी माँ ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जिसकी मदद से अब वो कम्युनिकेशन कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर स्टीफन हॉकिंग कम्युनिकेट करते थे। उसने इन 12 सालों में क्या अनुभव किया, अब इससे वो पर्दा उठाने के लायक हो चुका था। उसने अपनी एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मार्टिन ने बताया कि कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद उसका दिमाग एक्टिव हो गया था, उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी थी। वो सब कुछ सुन सकता था, सोच समझ सकता था, वो पूरी तरह से होश में आ चुका था, उसे पता था कि आसपास क्या चल रहा है।
लेकिन उसका शरीर लकवा ग्रस्त था, इस वजह से वो सबकी बातें तो सुन सकता था लेकिन वो कुछ भी रिस्पोंड नहीं कर सकता था। वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, वो उनको नहीं बता सकता था कि वो उन्हें फील कर सकता है। वो अपनी एक ऐसी दुनिया में था जहाँ से वो बाहरी दुनिया के साथ संपर्क नहीं बना पा रहा था, वो अपनी दुनिया में एकदम अकेला था। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि मार्टिन पर उस समय क्या बीती होगी जब उसे यह पता चला होगा कि अब उसे इसी तरह से पूरा जीवन बिताना होगा। हम अकेले रहकर एक जगह पर बैठकर एक दिन नहीं गुजार सकते, हम बोर होने लगते हैं, लेकिन मार्टिन ने तो इतने लंबे समय तक अकेले में अपना जीवन बिताया। मार्टिन ने यह पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि अब यही उसकी दुनिया है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान फिर से पागल होकर कोमा में चला जाए, लेकिन मार्टिन की प्रबल इच्छा शक्ति ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने हिम्मत बनाए रखी और जिंदा रहने की अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत एक दिन कुदरत को करिश्मा करना ही पड़ा। मार्टिन ने बताया कि वो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए इक्वेशंस सॉल्व करता था, पहेलियां सुलझाता था। उसके बाद मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री भी ली और एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में उसे जॉब भी मिली। धीरे धीरे मार्टिन का पूरा शरीर काम करने लग गया। अब वो एक आम इंसान की तरह नॉर्मल हो चुका था। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी भी कर ली थी और साल 2011 में उसने अपनी घोस्ट बॉय के नाम से एक किताब भी पब्लिश की, जिसमें उसने अपनी आप बीती लिखी जो उसने कोमा में जाने के बाद फील की थी। मार्टिन की ये कहानी हमें इंस्पायर करती है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए। अगर हौसले बुलंद हों और मन में कामयाबी की चाह हो तो कुदरत भी सफलता दिलाने के लिए चमत्कार कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।